नमस्ते दोस्तों, जगदम्बानंद शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है आलू की रोटी। और इस रेसिपी को आप ध्यान से पूरे वीडियो देखें, और यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे आपको इस वीडियो के जरिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और पौष्टिक रेसिपीज़ बता सकूं। इसके लिए देखिए, मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसको पहले देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 10 छोटे आलू लिए थे, ये 460 ग्राम है, जिसे बॉयल करके मैंने मैश कर लिया है। आलू की रोटी के लिए हम एक कटोरी मैदे का यूज़ कर रहे हैं। ये मैं इस कटोरी का मेज़रमेंट देख लीजिए, ये 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम मैदा हुआ मेरा। आप चाहें तो केवल मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर और आलू मिलाकर मैश करके इसको गूंथ कर अपना रोटी बना सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत सादी लगेगी, टेस्टी भी लगेगी, ऐसी बात नहीं है, मैं इसे और पौष्टिक बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। आप सादा बनाएंगे तो भी इस स्पून से 1 टीस्पून डालेंगे और नमक भी डालेंगे। इसमें ऐड जो मैं कर रही हूँ वो है धनिया, अरे ये अजवाइन 1 टीस्पून। आप इसको डाल के बनाएं, ये और अच्छा लगेगा। अदरक आधा इंच टुकड़ा मैंने महीन काट लिया है, और 2 हरी मिर्च। इस स्पून से 2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ले रखी है, और 2 छोटे प्याज जिसे अभी मैं महीन बहुत ही बारीक काटूंगी। उसके बाद मैं नमक डालने के लिए टू टेस्ट, जैसा आप लोग खाते हैं अपने घर में। यदि आपके पास घर में धनिया पत्ती उपलब्ध हो तो 1 छोटी कटोरी इसमें धनिया पत्ती भी जरूर ऐड करें, इससे इसकी पौष्टिकता और बढ़ जाएगी। तलने के लिए तेल। अब इसकी इस पहले हम प्याज काटते हैं। ये प्याज हमारा एकदम महीन कट चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसको इसमें क्या करेंगे, ये आटा डालेंगे जो 200 ग्राम है, मैंने बता दिया है आपको। आलू डालेंगे, इसमें प्याज डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे, इस वन टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, नमक टू टेस्ट जितना आपके घर में सभी खाते हों, जैसा आपके घर में टेस्ट चलता हो। मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको आलू की ही नमी से गूंथेंगे। इस आटे को इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम आलू की नमी से इस आटे को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ में लेके हम ऑयल इसे ऊपर से अच्छे से सही कर लेंगे, और परथन मैदे का लेके रख लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये
आलू के ही नमी से गुथाया है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। ये हमारा हो गया। अब आप आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा आप बनाना चाहें लोई लें और मैदे की सहायता से इसे बेलें। चूँकि ये आलू की पूड़ी है थोड़ा ट्रबल तो खड़ा करेगी ही, लेकिन आप सावधानी से मैदा लगा के बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मैदा लगा के आप बेलते जाइए। इसको आप दो तरह से तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे चार पार्ट में 20 काट के और तिकोना शेप देके छोटा 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 पीस में आप इसको बनाएं, या फिर आप ऐसे ही खड़ा साबुत जैसे बनाते हैं रोटी वैसे बना के सेक लें। ये हमारा मिला गया। चूँकि प्याज पड़ा है इसमें तो इसका शेप इससे बेहतर नहीं आ सकता। मैंने पहले से ही तवा गर्म कर लिया है। अब इस पे हम अपने रोटी को डाल देंगे। आप चाहें तो इसको सेकने के लिए शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, इससे और अच्छा बनेगा, या तेल भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। एक तरफ हमारी आलू की रोटी सिक गई है, अब हम इसमें तेल लगा देंगे और मीडियम आंच पे इसे सेक लेंगे। इधर भी सिक गई है, इधर भी तेल हम अप्लाई कर देंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसको बनाने में थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और ये बहुत टेस्टी भी बनता है, इसलिए आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं। हमारा रोटी तैयार हो रहा है। इसे खूब अच्छे से सेकेंगे ताकि ये कच्चा न रह जाए। इसी तरह हम दूसरी मिली हुई रोटी को डाल देंगे और इसे भी सेकेंगे। ये एक तरफ सिक गया, हम उलट दिए हैं इसको दूसरी तरफ सिकने के लिए। अब हम इस पे तेल अप्लाई कर देंगे। आप इसको हरी चटनी के साथ, अचार के साथ, या फिर मथुरा वाले आलू वाली जो डुबकी वाली सब्जी आती है उसके साथ इसे सर्व करें, या फिर किसी भी सब्जी के साथ सर्व करें। आप इसे कैसे सॉस के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप घर में नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ आप डिनर में भी कर सकते हैं, इसलिए आप अपने घर में इसे ज़रूर बनाएं। दोस्तों ये हमारी आलू की रोटी बनके तैयार हो गई है।
मैंने जिस तरह सर्व करने के लिए कहा उस तरह आप इसे सर्व करें और ये डिश अपने घर में ज़रूर बनाएं। यदि आपको पसंद आए तो आप इस पे कमेंट करना न भूलें, और जिन्हें न पसंद आए वो भी ज़रूर कमेंट करें कि इसमें क्या कमी है, ताकि मैं आगे और अपनी रेसिपीज़ में अगर कोई कमी रहे तो उसे सुधार सकूं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी रोटी बनती है। आप इसे अपने घर में बनाकर सबको खिलाएं। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।